नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ये जो कला क्रीड़ा महोत्सव है और महोत्सव के माध्यम में कैरम का आयोजन हो रहा है, तो इस तरह का आयोजन हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर उस जगह पर होना चाहिए जिससे लोग कैरम की तरफ बढ़े, क्योंकि ये वो मंच है जहाँ से नए बच्चे निकलते हैं, जहाँ से वो प्रतिभा बाहर निकलती है। हमें अगर अपना नाम करना है तो कई क्षेत्र हैं। कैरम ऐसा हम घरों में खेलते हैं ये सोच के कि समय व्यतीत हो, लेकिन कैरम में भी ख्याति हासिल की जा सकती है। इसका नमूना हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ अभी कैरम के जाने माने कोच और इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके माननीय गण, इनसे सीधा मुलाकात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण केदार है और मैं महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा इस खेल से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में कैरम खेल के बारे में, खेलने के बारे में कैरम से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में तकरीबन पिछले 21-22 साल से मैं महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन और अखिल भारतीय कैरम महासंघ, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन, ऐसे अलग अलग एसोसिएशन में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा खेल है कि जिसमें आप अपना समय तो व्यतीत करते हैं, लेकिन इसी के साथ में आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है और विशेष रूप से आप जब ये गेम खेलते हो तो मैं समझता हूँ कि इससे आपके बाकी भी पूरे जो आपका ओवरऑल जो करियर है उसके ऊपर भी उसका असर होता है, उससे भी उसका लाभ हो सकता है। और तकरीबन महाराष्ट्र में की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 12 से 13 साल में इस खेल को काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन इस खेल को पहुँचाया है। और महाराष्ट्र में लगभग जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धाएं होती है उसमें से ज़्यादातर स्पर्धाएं जीतने वाले खिलाड़ी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आज की तारीख में 3 विश्व विजेता खिलाड़ी है, योगेश परदेसी, प्रशांत मोरे और संदीप दिवे। उसके अलावा राष्ट्रीय विजेता ये खिलाड़ी भी बहुत सारी महाराष्ट्र से आई हुई है। यहाँ पर एक विशेष मैं नाम लेना चाहूँगा कि काजल कुमारी का, जो 2018 में कोरिया में जो विश्व कप स्पर्धा हुई उस स्पर्धा में वो स्विस लीग विजेता रही। और स्विस लीग एक ऐसी इवेंट है जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही एक साथ खेलती है, और पुरुष खिलाड़ियों को हरा के इस तरह का विजेता होना कोई आसान बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत ही गुणवान खिलाड़ी महाराष्ट्र में है, और मैं समझता हूँ कि ये सब जो श्रेय जाता है महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन जिस तरह से पिछले कई सालों में कैरम के लिए काम कर रही है, कैरम के खिलाड़ियों को और खेल को बढ़ावा दे रहे, उसकी वजह से हमारे महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र शाहजी जो पालघर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन को लीड करते हैं। हमारे बाकी भी अन्य महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के पदाधिकारी है और ये एक टीम वर्क है, और टीम वर्क की वजह से हम इस कैरम में इस खेल को आगे लेके जाने में सफल हुए, ऐसे मैं समझता हूँ। सर, आपने कैरम की काफ़ी खूबसूरती से जानकारी दी कैरम के, लेकिन एक अभी यहाँ इम्पोर्टेंट एक सवाल और भी है कि आज के समय में जहाँ यंगस्टर और बच्चे काफ़ी समय अपना मोबाइल में गुजार देते हैं, कैरम जैसे खेल भी मोबाइल में खेलने लगे हैं, ऐसे में वसई तालुका कला क्रीड़ा मंडल एक बड़ा इतना बड़ा आयोजन करके 55,000 से ज़्यादा बच्चों को एक साथ एक जगह पर एकत्रित कर रहा है, वहाँ आप आए तो आपका अनुभव कैसा रहा और आपको क्या फील होता है? सर, ये 34वां वर्ष है और मैं लगभग 25 साल इस क्रीड़ा महोत्सव को देख रहा हूँ और कैरम की टूर्नामेंट भी यहाँ पर होती है। ये एक अद्भुत ऐसा नज़ारा मेरे को देखने को मिला आज भी, और पिछले जब भी मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि हर साल इस क्रीड़ा महोत्सव में खेलने वालों की संख्या बढ़ रही है। जैसे आपने बताया कि 55 से 60 हज़ार खिलाड़ी इस स्पर्धा में भाग रहे, इस महोत्सव में भाग रहे, जिसमें कैरम के अलावा बहुत सारे खेल है, कबड्डी है, अभी हम खो खो के मैदान पे होके आए हैं, इसके अलावा सांस्कृतिक विभाग के भी बहुत सारे स्पर्धाएँ यहाँ पर होती है, नाट्य क्षेत्र से जुड़ी हुई स्पर्धाएँ होती है, रंगोली स्पर्धा होती है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे विश्व में इतना बड़ा महोत्सव कभी भी होता है, क्योंकि लगभग मैं पिछले 30-40 साल से कैरम से जुड़ा हुआ और अलग अलग जगह पर किस खेल के माध्यम से जाने का मेरे को मौका मिला है, लेकिन इतना बड़ा महोत्सव और इतना बड़ा नज़ारा मैंने अब तक नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि इसका जो श्रेय है
वो आदरणीय आमदार आप्पा यानी हितेंद्र जी ठाकुर इनको जाता है कि उन्होंने इस महोत्सव की नींव लगाई थी। और उसके साथ में फिर यंगस्टर की पूरी टीम है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जब खिलाड़ी है तो उसी तरह हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता है भी, और ये सब से उनको जाता है। मेरे नज़र में तो इससे बड़ा नज़ारा और कुछ हो नहीं सकता। मैडम, आपका यहाँ आने का अनुभव कैसा रहा? आप जैसा आपने स्पीच में कहा कि आप छोटे गांव से निकल के आइए, और यहाँ आके आपको कैसा फील हुआ? यहाँ इतने लोगों के बीच में 60,000 खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हम जब आ रहे थे तो मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे। जो जानकारी था हमको कि यहाँ पे हम कोई कार्यक्रम में आ रहे हैं, और यहाँ आके हम देखें कि इतना सारा गेम है और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो भी खिलाड़ियों का उत्साह है और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है, बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी कम उम्र में देश के लिए बड़ा नाम रोशन किया है, आने वाली पीढ़ी को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आने वाली पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल हो, जो भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वो अपना 100% दें और कोशिश करते रहें अपने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपका अनुभव कैसा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है, आज हम लोग जो भी है तो वो है महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन की वजह से, क्योंकि हमें इतना सारा मैच खेलने देते हो, साल में 12-15 ऐसा मैच होते हैं, वो पूरा श्रेय अरुण केदार जी को, सर को और जीतू सर को जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे मैच लेके एक प्लेयर के मन में से पूरा डर निकाल दिया है। तो इंटरनेशनल में जब जाते हैं हम तो हमें टूर्नामेंट का डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें हमारे कोच और हमारे जो सपोर्टर है वो इतना हम लोग को कॉन्फिडेंस दिला देते हैं कि हमको डरने की किसी को ज़रूरत नहीं रहती। और मैं आजकल के जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ, जनरेशन को नहीं बताना चाहता हूँ, उनके माँ बाप को बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों से मोबाइल दूर रखो, क्योंकि मोबाइल है स्लो पॉइजन, उसके वजह से लोग बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और माँ बाप अगर मोबाइल बच्चे लोग के सामने देख रहे तो जाहिर सी बात है बच्चे लोग भी मोबाइल देखने चालू कर देंगे। तो मेरा यही कहना है कि मोबाइल आप कम देखो, बच्चे लोग को कम दिखाओ, तो बच्चे लोग कैरम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपने सपोर्ट की बात कही, तो छोटे मंच पर बहुत सी बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को मैनर करता है, अपना देश काफ़ी गरीबी है, ऐसे में ये छोटे छोटे जो आयोजन है जहाँ से प्रतिभाएँ आगे बढ़ती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं? और बेहतर अभी मतलब मैच लेना ये सब मतलब हर जगह होना चाहिए। अभी ये महोत्सव में मेरी मतलब मैं आज 35-36 का ईयर्स का हूँ, पर मैंने आज तक ये महोत्सव कभी देखा नहीं था, इतना बड़ा महोत्सव मैंने कभी नहीं देखा हूँ मेरे लाइफ में। तो मेरा बोलना यही है कि बच्चे लोग को अपने पेरेंट्स से मतलब कैरम खेलने की इजाज़त दिया जाए। बच्चे आज भी लोग उसको मतलब पुराने ज़माने के जैसे देखते हैं कि वो कैरम ख़राब है, कैरम अच्छा नहीं है, तो उसको बदलो। आज कैरम कौन से लेवल पे है ये किसी को नहीं मालूम है। तो मेरा बोलना यही है कि आप उसको बच्चे लोग को और ज़्यादा घर में कैरम लो, घर में सिखाओ, कोच रखो, नहीं आएगा कुछ रहेगा तो, पर कैरम खेलने को मैं बोल सकता हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, चूँकि संदीप दिवे को आपने जो प्रश्न पूछा था, इसमें मेरा मैं मत रखना चाहता हूँ कि इसमें प्रतिभा को जो भी है, आप जैसे बोल रहे थे कि ये जो प्रतिभा है उसको और किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, तो ये जो कला क्रीड़ा महोत्सव है और महोत्सव के माध्यम में कैरम का आयोजन हो रहा है, तो इस तरह का आयोजन हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर उस जगह पर होना चाहिए जिससे लोग कैरम की तरफ बढ़े।
क्योंकि ये वो मंच है जहाँ से नए बच्चे निकलते हैं, जहाँ से वो प्रतिभा बाहर निकलती है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी किसी भी बड़े टूर्नामेंट में डायरेक्ट नहीं जाता, उसको इंटरनेशनल खेलने से पहले नेशनल में परफॉर्म करना पड़ता है, उसके पहले स्टेट में, उसके पहले डिस्ट्रिक्ट में, और उसके पहले उसको किसी ना किसी क्लब में जाना होता है। लेकिन क्लब में जाने का जो रास्ता है वो इस तरह के टूर्नामेंट से ही उसको मिलता है। तो ये प्रतिभा इसी तरह से आगे बढ़ती है। जय ग्यारह। ने अभी देखो आपके सामने इतने दिग्गज प्लेयरों ने बताया है कि कैरम का महत्व, राजा महाराजा के टाइम से हम लोग ये कैरम गेम खेलते हैं। मेरा बोलना इतना ही है कि जिस तरह से चेस है कि बुद्धि को जो चालना देता है, वैसे कैरम गेम जो है, जो जिस लेवल से हम लोग महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन खिला रही है और जो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कर रही है, तो वो लेवल ऐसी है कि विद इन 10 सेकेंड आपको दिमाग चलाना है और मुझे कौन सी कॉइन लेना है, कौन सी नहीं लेना है। तो ये जो है ब्रेन को चालना देने वाला गेम है। और हर पेरेंट्स को मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो महोत्सव भराया है कला क्रीड़ा महोत्सव, अपने बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लो। बच्चा तुम्हारा कौन से गेम की तरफ इंटरेस्ट दिखाता है उसमें उसको डालो और बाकी का वक्त उसको बोलो पढ़ाई करो। तो ये हम इस समय कैरम विभाग में थे और आज के समय में सिर्फ एक कैरम ही नहीं, क्रीड़ा के क्षेत्र में कोई भी फील्ड हो जहां अगर आपके बच्चे का टैलेंट है तो आप ज़रूर उसको मौका दे बच्चे को, ताकि वो बच्चा अपना टैलेंट को आगे लेके जाए। और हो सकता है आज हमारे बीच काजल कुमारी है, ऐसे और भी कई काजल कुमारी सामने निकल के आए और ऐसे लोग सामने आए जो कि अपने माँ बाप का ही नहीं देश का नाम रोशन करें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। एफ न्यूज़ लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।